वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 27 नवंबर 2020 और आज हम अदानी ग्रीन के स्टॉक को टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे प्राइस एक्शन को और आने वाले फ्यूचर के मोमेंटम को कि क्या मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये अदानी ग्रीन का मंथली चार्ट है और यहाँ पे अगर ये जो हमें फॉल दिख रहा है और यहाँ ब्रेकआउट हुआ था 243, मैं ये सोच के चल रहा हूं अगर 250 पे भी हमने इसको बाय किया होता, इस पे कोरोना का भी कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला जो सभी स्टॉक में हमने देखा। एक हल्का सा फॉल हमें देखने को मिला सिर्फ जो नॉर्मल सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद आता है। और यहाँ पर देखिए 250 को भी अगर हमने बाय किया होता तो 800% प्रॉफिट हमको हो रहा होता। स्टॉक ने ट्रेड किया 1222 रुपीस पे, मैं शायद कम कह रहा हूं। चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल्स। अदानी ग्रीन एनर्जी अदानी पावर तो शायद यही वो स्टॉक है अदानी ग्रीन। मैं फिर खुद को भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहता हूं कि अदानी ग्रीन यही स्टॉक है। इनका मार्केट कैपिटल है 17,07,759 करोड़ का और उसके अगेंस्ट डेट कुछ भी नहीं, ना के बराबर। फिर भी कंपनी ने अपने स्टॉक 5.72% गिरवी रखे हुए हैं। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है 9.16%। स्टॉक का पी रेशो देखिए 2049 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.97% है। यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 68.6% है, 68 पॉइंट, और वही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। स्टॉक का प्राइस लगातार एक हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ चला गया और अभी भी एक अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट को तो एक अच्छा जो यहाँ पर हमें मोमेंटम प्राइस में देखने को मिल रहा है और चार्ट भी बहुत अच्छा है, ग्रीन ही ग्रीन हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। अब हम चलेंगे सेल्स के नंबर्स पे। मार्च 2017 में 502 का जो सेल्स था वो ग्रो हुआ, मार्च 2018 में 1480 और मार्च 2019 में ये और भी ग्रो हुआ 2058, मार्च 2020 में 2549 और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इन्होंने टारगेट रखा है 2519 का। यहां पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 403 से इंक्रीज होके 1659 तक आ चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% से अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का इन्होंने यहां पर कम कर दिया 64%। मार्च 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था -47 और जो ट्रेलिंग 12 मंथ में +37 आ सकता है। अब चलते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट पे और क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार ओवरव्यू करेंगे। जो सेल्स था 2019 में 688 का, उसमें हमें हल्का सा फॉल देखने को मिला है और इसी फॉल की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 382 से इंक्रीज करके 504 हो चुका है और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55% से इंक्रीज कर दिया गया है। इसमें भी बढ़ोतरी दी गई है 82%। लेकिन अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सितंबर 2019 में जो 100 था वो 3 डिजिट से सितंबर 20 के क्वार्टर में 2 डिजिट पे आ चुका है 19। और अब हमें इस कैंडल के साथ में इस स्टॉक में वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, वो करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए चलते हैं हम वीकली चार्ट पे कि वीकली चार्ट पर क्या प्राइस एक्शन आ रहा है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अदानी ग्रीन का वीकली चार्ट है और मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं अगर आपने अदानी ग्रीन में पोजिशनल या स्विंग किसी भी प्रकार का पोजिशन लिया है तो ये सबसे अच्छा और सही वक्त है प्रॉफिट बुकिंग करने का और स्टॉक से एग्जिट होने का। अगर यहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। किसी भी कैंडल को ना कटे हुए मैं एक थोड़ा सा हल्का सा साइड से यहां पर कर लेता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर प्रॉफिट में है तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ये जो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला ये इस टाइप का प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। अगर आप
इस वीक के जो कैंडल को देखेंगे तो जिस तरीके से वॉल्यूम ट्रेड हुए, जिस तरीके से सेल ऑफ हमें देखने को मिला है, तो इसके चलते ये स्टॉक का प्राइस 750 तक आने की पूरी पूरी जो कैपेसिटी है वो रखता है। अब चलेंगे हम डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं लास्ट 3 डेज से जो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लास्ट 2 डेज के कैंडल्स देखेंगे और वॉल्यूम्स देखेंगे तो आज इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा एक सेल ऑफ देखने को मिला, और यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स, जो स्मार्ट इन्वेस्टर जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके ये यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। तो आप भी रिटेल इन्वेस्टर, ऐसे आप अपना प्रॉफिट बुक करें, अगर थोड़ा आपको लॉस है तो लॉस भी बुक करके स्टॉक से एग्जिट हो जाना, दैट इज द गुड। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने है अदानी ग्रीन के, और जिस तरीके से प्रॉफिट में गिरावट है और हल्का हल्का सेल्स के नंबर्स में गिरावट है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है 850 के प्राइस के आसपास। तो जस्ट ये मेरा खुद का प्रिडिक्शन है ऑन चार्ट एनालिसिस है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आपका एनालिसिस और आपका जो स्ट्रेटेजी है आप उस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।